अरे वाह, बड़े प्यारे यार, धूप सेकते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। टू गुड यार। हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शिमला के दिसंबर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मौसम में ठंड तो काफ़ी होती है, काफ़ी ठंड पड़ रही है शिमला में, लेकिन स्नोफॉल तो नहीं है, उसका सबको इंतज़ार है। जैसे ही स्नोफॉल का कुछ अपडेट वगैरह आता है, स्नोफॉल होगा, वो वीडियो मैं आपके साथ ऑन प्रायोरिटी शेयर करूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिसंबर, आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर आज के दिन मैं आपको अभी लेके चलने वाला हूँ शिमला के मॉल रोड, जो नंबर वन टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट मार्केट है शिमला का, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए, तो वो शिमला का लकड़ बाज़ार है, वहाँ लेके आपको चलूँगा और फिर आपको रिज लेके चलूँगा और थोड़ा सा आपको पार्ट दिखाऊँगा मैं शिमला के मॉल रोड का भी। तो आइए, मैं आपको फटाफट मिलता हूँ वहाँ पर। तो शिमला के शेयर टैक्सीज, इनसे आप कहीं से भी शिमला के मॉल रोड के आसपास, रिज के आसपास आप पहुँच सकते हैं। मैं भी इसी से पहुँचने वाला हूँ अभी, उसी पॉइंट पर, लकड़ बाज़ार। शेयर टेम्पो से दोस्तों मैं पहुँच गया शिमला के लकड़ बाज़ार, अब बिल्कुल रिज के पास हूँ मैं, और लकड़ बाज़ार क्रॉस करके हमने जाना है वहाँ पे। तो ये वॉक 8 से 10 मिनट का होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉक है ये, पूरा मार्केट मिलने वाला है एक 700 मीटर्स का। तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीम एंड से, एक साइड से दूसरे साइड आपको लेके चला हूँ लकड़ बाज़ार, और उसके जस्ट साइड में कनेक्टिंग यहाँ का रिज, तो वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा ही नज़ारे। तो फिलहाल तो लकड़ बाज़ार घूमते हैं, और शाम के टाइम पे, आज संडे है, 1 दिसंबर, की भीड़ आप अभी से यहाँ देख सकते हैं कितनी रश है। वैसे अभी यहाँ तो भी लोकल्स की भीड़ ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे लकड़ बाज़ार में अंदर की ओर, तो वहाँ पे टूरिस्ट की रश हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप यहाँ से स्टार्टिंग में ये व्यू भी देखो, जिसके लिए शिमला मेन जाना जाता है इन हिल्स के लिए, और यहाँ पर ये बन रहा है लिफ्ट, यानी कि जो कार्ट रोड है नीचे का, जो लकड़ बाज़ार बस स्टैंड के पास वाला जो एरिया आता है नीचे, मेन सर्कुलर रोड, वहाँ से सीधा आप लिफ्ट लेके ऊपर लकड़ बाज़ार आ जाएंगे। मुझे लगता है कुछ अगले 5-6 महीनों में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा ये। फिलहाल यहाँ से लकड़ बाज़ार की एंट्री हो जाती है। अभी जिस साइड से मैं आया हूँ, शिमला के संजौली से, तो उस पार्ट से इधर अभी काफ़ी रश उस साइड से इधर की ओर जाते हुए दिख रहा है, और काफ़ी स्ट्रीट फूड्स वगैरह इधर दिख जाते हैं लकड़ बाज़ार में, जूसेस के शॉप वगैरह भी स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं, टॉय शॉप भी। वैसे तो नाम इसका लकड़ बाज़ार है क्योंकि मेनली यहाँ लकड़ियों का सामान मिलता है लकड़ बाज़ार में। मेनली ऐसा मैंने बताया आपको, ये वुडन गिफ्ट आइटम्स वगैरह मिल जाते हैं मेनली लकड़ियों के। ये देखो, ये कंघी भी है, और ये पेन स्टैंड, तो बहुत कुछ मिल जाएगा, फ्रिज स्टिकर वगैरह भी मिल जाते हैं, की रिंग्स। इधर भी देखो, हर तरह की चीज़ें लकड़ियों से बनी हुई मिल जाती हैं आपको, इसलिए इसका मेनली जो नाम है इस जगह का, लकड़ा बाज़ार है, और टूरिस्ट के लिए नंबर वन इसको मार्केट बोला गया है शिमला में। तो काफ़ी कुछ गिफ्ट आइटम्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों, लकड़ा बाज़ार घूमते घूमते हम लोग लगभग लकड़ा बाज़ार के सेंट्रल पार्ट में पहुँच गए हैं, और यहाँ से भी ये वाला व्यू देखना तो बनता ही है। वैसे मैंने अपने वीडियोज में आपको ये वाला व्यू काफ़ी बार दिखाया है, फिलहाल इस टाइम पे लगभग शाम के भी 4 बजे हैं, तो इस समय भी ये जगह एंजॉय करना बनता है। और यहीं पे ये होटल फ्लोरा और होटल डिप्लोमेट, दो बजट होटल्स हैं, लगभग 2500 के रूम यहाँ मिल जाते हैं पर नाइट लकड़ बाज़ार में, और बिल्कुल यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है शिमला का रिज, जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है होटल फ्लोरा। दोस्तों, अभी मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ शिमला के बारे में, थोड़े मौसम के बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूँगा, टेम्परेचर वगैरह क्या चल रहा है वही मैं आपको जानकारी दूँगा। एक बार रिज पहुँच जाए तो वहाँ पे काफ़ी कुछ मैं आपको बात करने वाला हूँ। फिलहाल अभी आओ, मैं आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा सा लकड़ बाज़ार और घुमाता हूँ, और फिर रिज पर मिलता हूँ। दोस्तों, इस समय लकड़ बाज़ार में अभी बिल्कुल सामने से धूप आ रही है, मेरी बिल्कुल आँखों में चुभ रही है। फिलहाल इन जगहों पे वैसे कोई गाड़ियां अलाउड नहीं है, केवल एम्बुलेंस वगैरह जा सकती हैं, तो एम्बुलेंस जाते हुए और टूरिस्ट यहां पे धूप वगैरह सेकते हुए, इस जगह पे बच्चे भी पूरा एंजॉय करते हुए। और इस साइड देखो, लेफ्ट साइड में आपको लकड़ बाज़ार बिल्कुल सजा हुआ सा मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। नॉर्मली वुडन पे तो फेमस है ही, बट वुलेंस के लिए भी फेमस है। इसके अलावा स्ट्रीट फूड तो मैंने आपको दिखाया ही, और ये देखो
चश्मे वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, ये आपको रीजनेबल मतलब जस्ट इकोनॉमी प्राइस वाले 100-200 रुपए वाले। बेल्ट वगैरह भी हैं, वुलन का देखो ये कितना भंडार और ये वेराइटीज दिख रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी टूरिस्ट इस जगह पे घूमते हुए शाम के टाइम पे। तो ये तृप्ति बेकरी की नंबर वन शॉप। इधर देखो दोस्तों, ये लगभग हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ कैप्स मिल जाएंगे आपको यहाँ। तो स्पेशली कैप्स के ही शॉप मुझे दिख रहे हैं, ये हर तरह के कैप आपको मिल जाएंगे यहाँ। छोटे बच्चों का भी आ गया, चलो मैं आगे लेकर चलूँ आपको। अच्छा इधर हिमाचली कैप भी दिख गया, ये दिखाते हैं आपको इसकी प्राइस लगभग कितना प्राइस है इसका हिमाचली कैप का। 150 रुपीज़, 150। और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में लेंगे आपको तो ये 250 रुपीज़ में मिल जाएगा हिमाचली कैप। इसमें साइजेस भी अलग अलग होते हैं। और ये बच्चों के लिए टॉय शॉप। तो ये लकड़ बजा रही हैं दोस्तों, ये शिमला। और यहाँ से राइट साइड में व्यू तो आपको मिलता ही मिलता है। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से बेंचेस के पास, जहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट अभी धूप सेंक रहे हैं, यहाँ से थोड़ा आप व्यू देखो ये शिमला का। ब्यूटीफुल। शिमला में अभी जैसे ही मैं शेड में जा रहा हूँ तो ठंड लग रही है, और अभी जैसे ही धूप आ गया तो बड़ी मीठी सी मतलब एक प्लेजेंट सा एक्सपीरियंस हो रहा है। और धूप तो यहाँ अच्छी लगती है, जबकि मैंने लगभग अभी 3 लेयर्स अभी डाल रखे हैं वुलन के 3 लेयर्स। तो ठंड तो काफ़ी है यहाँ पे। शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर जाने लगा है, 0 पीएच डिप होने लगा है, और 2 दिनों में -1 भी पहुँच जाएगा ये। बट बारिश का इंतज़ार है, जैसे ही बारिश होगी बर्फ़ तो पड़नी ही पड़नी है, और फिर सबके चेहरे भी खिल जाएंगे क्योंकि बर्फ़ देखने का इंतज़ार सबको रहता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे ये लकड़ बाज़ार एंड हो गया, और जस्ट इससे कनेक्टिंग जस्ट 50 मीटर्स ये रिज वाला एरिया है, तो यहाँ से कनेक्ट करेगा ये जगह। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, अगर आपने एरियल बर्ड आई इस व्यू देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हो। और यहाँ राइट साइड में कुछ छोटे वेंडर्स वगैरह होते हैं जो हर तरह की चीज़ें लेकर बैठे रहते हैं सेल करने के लिए। अभी वुलन के शॉप्स ज़्यादा दिख रहे हैं, ये छोटे वेंडर्स कुछ टॉयज वगैरह के भी हैं। 4 बज गए हैं, तो शाम के टाइम पे थोड़ी ठंड तो ऐसे भी बढ़ ही जाती है शिमला में, और दिसंबर को तो ऐसे भी स्पेशली विंटर्स के लिए जाना जाता है। खैर अब तो ये 1 महीने आगे शिफ्ट हो गया है, जनवरी एंड फेब में यहाँ पे मैक्सिमम ठंड पड़ती है शिमला में। और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ से ये हॉर्स राइडिंग कराते हुए तो वापस लेकर जाते हैं। तो अगर आप हॉर्स राइडिंग करते हैं तो ये आपको यहीं से वापस लेकर जाएंगे, और आगे रिज का पूरा एक चक्कर लगाते हैं। तो ये रिज पे हमने एंटर कर लिया है, काफ़ी भीड़ दिख रही है, और आज लग रहा है कि वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज भी किया गया है पद्मदेव कॉम्प्लेक्स के ऊपर। आई थिंक कोई फूड कार्निवल है हिमाचली कुजिन के ऊपर, शायद उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फिलहाल हम लोग रिज के जो मेन ग्राउंड है, रिज का मेन ग्राउंड वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और जस्ट स्टार्टिंग में ही यहाँ पे काफ़ी सारे घोड़े मिल जाते हैं हॉर्सेस। देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे घोड़े हैं ये, वाओ लवली। अरे वाह बड़े प्यारे यार, धूप सेकते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं, टू गुड यार। तो अभी अगर आओ यहाँ तो हॉर्स राइडिंग जरूर करो, बहुत मज़ा आता है। 150 रुपीज़ में 1 राइड देते हैं ये दोस्तों। शाम के टाइम पे रिज का माहौल, रश तो काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी लोग बैठ के खड़े होके धूप का एंजॉय करते हुए, लोकल्स और पब्लिक बिल्कुल मिक्स क्राउड दिख रहा है इस टाइम पे। अब ये धूप भी जाने वाली है, लेकिन 4 बजे की धूप भी बड़ी मीठी लग रही है इस समय, और जब ये आधे घंटे के बाद जब ये धूप जब छिप जाएगी तब तो मत पूछो, इतनी ठंड लगने वाली है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। और यहाँ पे सरस मेला लगा हुआ है, फूड कार्निवल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा रहता है इस जगह पे,
फिलहाल आप ये रिज का व्यू एंजॉय करो। तो दोस्तों मैं कुछ टेम्परेचर की बात कर रहा था। शिमला में जो मिनिमम टेम्परेचर है आजकल वो 0 डिग्री, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, -1 तक जा रहा है, और मैक्सिमम अब बहुत कम हो गया है, 9 to 10 degrees। इन डे टाइम धूप में भी 10 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ठंड अब काफ़ी पड़ रही है। लेकिन अगर ये आप कुफरी में जाएँ तो वहाँ पे 1 week पहले से ही वहाँ पे टेम्परेचर -2 -3 हो गया है, और मैक्सिमम 4-5 ऐसा हो गया है। तो कुफरी में ठंड काफ़ी है, लेकिन जैसे ही अब बारिश होगी, मौसम ख़राब होगा, बैड वेदर जब होगा, तो यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगा। बर्फ़ तो पड़नी ही पड़नी है दोस्तों, लेकिन उसके लिए बारिश होनी चाहिए। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड स्नोफॉल के बारे में पूछते हैं कि स्नोफॉल कब होगी और कितने दिनों में होगी, क्या टाइम हो सकता है। तो ऐसा कुछ फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर। अगर वेदर ख़राब होगा, बारिश होगी, रेन्स होगी, तो फिर स्नोफॉल ही होना है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, तो बर्फ़ तो पड़नी ही पड़नी है दोस्तों। और फिर आपको ये वाइट शिमला दिखेगा और आपको वाइट कुफरी दिखेगा, बड़ा मज़ा आता है उसमें। और स्पेशली जब लाइव स्नोफॉल हो रहा हो, तो वो तो टूरिस्ट बड़े फॉर्चुनेट होते हैं कि जब वो यहाँ पे आए हों और उसी टाइम पे लाइव स्नोफॉल हो जाए, गिरता हुआ बर्फ़। तो क्योंकि वो जो बर्फ़ गिरता है 2 दिनों के लिए ही गिरता है वो, या दिन भर गिरा फिर शाम के टाइम पर रात में बंद हो गई, या रात भर गिरा सुबह बंद हो गई, या दिन में 1-2 घंटे गिर गई, लेकिन गिरने के बाद बर्फ़ तो रह जाती है, 15-20 दिन महीने भर बर्फ़ रह जाती है। तो जो लाइव स्नोफॉल है वो मिलना काफ़ी फॉर्चुनेट होता है, अगर आप लकी होंगे, अगर आपको वो टाइम मिल जाए तो। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप अभी कभी भी जब मौसम ख़राब हो जाएगा ना कभी भी, तो आपको स्नोफॉल मिल जाएगा अभी से लेकर 15 February तक। तो 2.5 महीने का टाइम का स्लॉट है ये रेंज, इसमें जब भी मौसम ख़राब होगा, रेंज होंगे, तो बर्फ़ पड़नी पड़नी है। वैसे मेरे वीडियोज आपको अपडेट तो कर ही देंगे इमीडिएटली, सेम डे मैं अपलोड कर दूंगा आपके साथ वो वीडियोस, तो स्नोफॉल वाला होगा, क्योंकि मैं यहीं पे होता हूँ, तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। और आप लोग काफ़ी लाइक भी करते हो ऐसे मेरे वीडियोस, तो उसके लिए भी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, थैंक यू करता हूँ दोस्तों। तो अगर आप इस समय दिसंबर में आ रहे हो इस टाइम पे, तो आपको देखो अभी जो माहौल मिलने वाला है, आपको शिमला का ऐसा मिलेगा माहौल बिल्कुल। तो आपने मोटे मोटे कपड़े लेकर आने हैं, आपने थर्मल्स, हाई नेक स्वेटर, जैकेट, दोनों या तीनों चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। बच्चे हैं तो बच्चे को भी लेके आ सकते हैं, वो भी बड़े मज़े करेंगे, छोटे बच्चे हों बड़े हों, सारे एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन हाँ, गर्म कपड़े ज़रूर लेके आने हैं आपने, ठीक है। और दोस्तों ये शिमला का मेन टूरिस्ट स्पॉट इसको बोलते हैं, इस जगह को। एक तो मैं आपको व्यू वहाँ से थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ पे शिमला के क्राइस्ट चर्च, और थोड़ा मैं आपको मॉल रोड के नज़ारे भी दिखा दूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि फिर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। मॉल रोड का मैं एक अलग से वीडियो फिर अपलोड कर ही दूंगा मैं, वैसे मेरे काफ़ी वीडियोज मॉल रोड के ऊपर भी हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हो। फिलहाल आप यहाँ के एक बार और नज़ारे देख लो। आप तो दोस्तों चलते हैं वहाँ ऊपर, और फिर आपको क्राइस्टचर्च दिखाऊंगा और फिर मॉल रोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरे साथ घूमते रहो, आप एंजॉय करते रहो। ये ऊपर से रिज का नज़ारा, और यहाँ पे बना हुआ है ऑडियंस बॉक्स। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी भीड़ अभी दिखते हुए, तो यहाँ से देखने में वैसे काफ़ी बढ़िया लगता है ये दृश्य। ये रिज का सीन अगर आप देखें यहाँ से, बहुत ही सीनिक व्यू आता है यहाँ से। ये देखो, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे इस जगह से यहाँ का व्यू एंजॉय करते हुए, और इधर काफ़ी सारे बेंचेस भी हैं, तो इधर भी बैठ के लोग धूप वगैरह सेकते हुए एंजॉय करते हुए यहाँ के व्यूज़ को। और यहाँ से बैठने के बाद जो व्यू आता है वो ये वाला आता है। दोस्तों इसी ऑडियंस बॉक्स के पास से ही जाखू टेम्पल का रास्ता अगर आपने वॉक करके जाना है, तो आप यहां से जा सकते हैं वॉक करके, जस्ट 30-35 मिनट्स में आप जाखू टेम्पल पहुंच जाएंगे। रोपवे का रास्ता वहां दूसरे साइड से, मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्राइस्ट चर्च के दूसरे साइड से, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। शिमला के रिज पे आपको दिसंबर में ऐसा दिखने वाला है, बिल्कुल
न्यू पेंट किया गया है इसको, थोड़ा सा काम ये बचा हुआ है 5%, तो अभी काम चला हुआ है पेंटिंग का, लेकिन बहुत ही सुंदर दिखते हुए इस टाइम पे। वैसे तो ये पहले भी सुंदर था, लेकिन नया पेंट होने के बाद तो कुछ गजब ही खूबसूरत दिखता है ये जगह। दोस्तों यहाँ से भी शिमला का बड़ा अच्छा व्यू आता है, इस साइड सराउंडिंग हिल्स का, और सामने का जो आप हिल दिख रहे हैं ये ग्रीन हिल, ये जाखू हिल है बिल्कुल सामने का, और बिल्कुल सामने ही जाखू रोपवे की बिल्डिंग भी है, वहाँ जा सकते हैं यहाँ से। इस रास्ते से लगभग 8 से 10 मिनट वॉक करोगे आप, पहुँच जाओगे जाखू रोपवे वाली बिल्डिंग, फिर वहाँ से रोपवे आपको पकड़ना है और चले जाओगे जाखू मंदिर। तो दोस्तों ये वाला जो रास्ता है ये सीढ़ियाँ नहीं है, इस पर बिल्कुल प्लेन है, आप इजीली वॉक कर सकते हैं, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है जाखू रोपवे जाने में। और ये रास्ता शिमला के मॉल रोड पर लेकर जाती है, तो मैं आपको थोड़ा सा मॉल रोड घुमाता हूँ और फिर मॉल रोड चलते हैं। मैं यहाँ से यही लेफ्ट साइड का रास्ता लेकर आपको मॉल रोड लेकर चल रहा हूँ। तो अभी टूरिस्ट की रश अभी इस टाइम पे वीकेंड में तो वैसे काफ़ी हो ही जाती है, एक मैंने शिमला इन वीकेंड आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीक, उसके बाद ये फिर मैं एक वीकेंड एक और लेकर आ गया दिसंबर में। खैर तो हर एक दिन नज़ारे बदल जाते हैं शिमला के, और हर दिन का नज़ारा ही बहुत ही खूबसूरत होता है। अब तो खैर एक वीक हो गए हैं, आज 1 दिसंबर है, तो ये उस दिन का मैं आपको यहाँ का व्यू शेयर कर रहा हूँ, और हमने जाना है वहाँ पर नीचे ही मॉल रोड की ओर, लेकिन सामने की खूबसूरती देखो हिल्स की। फिलहाल दोस्तों मैं मॉल रोड पहुंचने वाला हूं जस्ट विद इन अ मिनट, लेकिन शिमला में जब भी धूप में हम वॉक करते हैं तो जिस साइड धूप होता है, जैसे अभी धूप मेरे पिछले साइड पड़ रहा है तो वहां तो बड़ा अच्छा लग रहा है गर्म, और ये अगला साइड है ना बिल्कुल चिल्ड हो जाता है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे दिसंबर जनवरी और फरवरी में शिमला में, तो ये नॉर्मली ऐसा पाया जाता है कि जो शेड में आ गया फिर तो भैया शिवरिंग होना शुरू हो जाता है। और जस्ट मॉल रोड और रिज के बीच में ही यहाँ रानी झांसी पार्क, तो यहाँ भी बच्चों के लिए अच्छा एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क है, मतलब 15-20 मिनट वो यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं, अच्छा लगता है, व्यूज़ भी बड़े अच्छे आते हैं राइट साइड के शिमला के हिल्स व्यूज़। तो मेरे बड़े सारे वीडियोज़ में मैंने उसको भी शेयर किया है, तो आप वो सब भी देखो और एंजॉय करते रहो। फिलहाल हम लोग बातों ही बातों में पहुँच गए शिमला के मॉल रोड। हम लोग पहुँच गए हैं मॉल रोड के ऑलमोस्ट बोल सकते हैं बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे, तो यहाँ से दोनों ही साइड में इस साइड 1 किलोमीटर आगे स्ट्रेच हुआ है मॉल रोड, और इधर भी 1 किलोमीटर। तो थोड़ा सा मैं आपको पार्ट दिखाऊंगा मॉल रोड का, और मॉल रोड पर आपको हर तरह की शॉप मिल जाएंगी गुड क्वालिटी की। और सबसे जो अच्छी बात है मॉल रोड की वो ये है कि यहाँ पे जो ये बिल्डिंग्स मेंटेन किए गए हैं बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसा ये पहले था, 100 साल पहले जैसा था वैसा ही बिल्डिंग आज ही मेंटेन किया गया है। और हम लोग बिल्कुल उसी एरिया में हैं रिज के नीचे, रिज के नीचे तो हम लोग हैं ही, बिल्कुल क्राइस्टचर्च के नीचे वाले एरिया में। तो यहाँ पे शिमला के मॉल रोड में एक साइड तो आपको शॉप मिल जाती हैं, और दूसरे साइड आपको ये वॉल्स या रास्ते या कुछ आर्किटेक्चर्स वगैरह मिल जाती हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा। पूरा का पूरा मार्केट है 2 किलोमीटर का। संडे के दिन कुछ शॉप्स बंद हैं, वैसे 70-80% शॉप्स खुली रहती हैं संडे के दिन भी। और जैसा कि फेमस है शिमला वुलेंस के लिए, तो यहाँ पे देखो शिमला शॉल, लैम्प पश्मीना। ओके हाउ मच दिस इज शिमला शॉल? सर जस्ट ओनली 1250 सर। 1250 रुपीज, एंड दिस पश्मीना? दिस पश्मीना 2250 सर। 2250। सो दिस स्पेशल थिंग्स विल बी गेटिंग इन शिमला। यहाँ भी आपको कुछ हिमाचली कैप्स वगैरह टोपी वगैरह मिल जाएंगे। तो ये गुड क्वालिटी जो शॉप्स हैं शिमला के वो आपको मॉल रोड पे दिख जाते हैं, स्पेशली शाम के टाइम पे इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है दोस्तों, लाइट्स में तो गजब दिखता है ये जगह। काफ़ी सारे यहाँ ब्रांडेड शोरूम्स वगैरह आपको दिख जाते हैं, लगभग जितने भी कंपनीज के आप नाम जानते हो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
और वो ब्रांड्स जो हैं आपके कपड़े के तो होते ही हैं, और भी चीज़ों के शूज वगैरह के भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, स्केचर्स। कि हम लोग मॉल रोड के उस पार्ट में आ गए जहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस है। यहाँ का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ से शिमला का। और क्योंकि थोड़ा सा ओपन स्पेस है यहाँ पे, देखो वो बड़ी अच्छी धूप भी आ रही है, काफ़ी सारे लोग देखो हर जगह बैठे हुए हैं, ये रेन शेल्टर में ही बैठे हुए हैं, उधर बेंचेज में भी बैठे हुए हैं, इधर भी लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज अपने प्रमोशन वगैरह भी ऑर्गेनाइज करती हैं इन सब जगहों पर। और ये हम लोग रोटरी क्लब के ऊपर आ गए यहाँ से, अगर आप देखोगे ये तो ये वाला देखो व्यू कितना शानदार यहाँ से व्यू आता है। ये सामने की ओर से अभी फ़िलहाल बड़ी तेज़ धूप आते हुए, लेकिन ये भी व्यूज़ कुछ ना कुछ तो विजिबल हैं ही। और यहाँ से देखो ये सामने वही क्राइस्ट चर्च, बहुत ही सुंदर दिखते हुए। छोटे छोटे बच्चे भी इंजॉय करते हुए फिलहाल। तो शिमला के मॉल रोड के इस जगह पे बड़ी तेज़ यहाँ से हवा चल रही है, तो ठंड यहाँ पे बढ़ जाती है, लेकिन धूप में बड़ा मज़ा आ रहा है। दोस्तों आई होप आपने दिसंबर का ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मुझे पता है आपको स्नोफॉल का इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है दोस्तों। इसी उम्मीद में मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय,